दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो मिल गया उसका गर्व न करें और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक न पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आया। आश्रम में बहुत भीड़ डाच थी। तभी राजा ने बुद्ध से आग्रह किया कि वह उनसे एकांत में कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है और तुम्हें जो बोलना है वह यही बोलो। तब राजा बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। यह सुनकर बुद्ध थोड़ा गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यासी होने के लिए और दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने कहा कि जब दीक्षा लेनी है और सन्यास्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने राजा को आदेश दिया कि अपने कपड़े और जूते उतार कर अपने राजधानी के राजमार्ग पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। अब राजा ने वही किया और उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी और आप स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तो तुम्हारे अहंकार बहुत बद्दा नहीं था, इसलिए तुमसे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर ही काम बन गया था। पर यह तो राजा है और इसका अहंकार भी बड्डा है, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और राजा जब इस दशा में अपने ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार खत्म हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के पास आकर कहने लगा, तथागत, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करे। तभी बुद्ध ने राजा के सर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ और स्वामी भाव छोड़कर सेवक भाव से राज्य करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके के जरूर बताएं। और ऐसे ही अच्छी कहानी के लिए बाला इंस्पायर्ड वन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।